एक प्राइवेट संस्था से जुड़े लोगों ने कंपनी पर लगाया जालसाजी का आरोप, सिविल लाइन थाने में कराई शिकायत दर्ज। सिविल लाइन थाने शिकायत दर्ज कराने पहुंचे लोगों का आरोप है कि एमएसजे मिशन नाम से एक एनजीओ वार्ड नंबर 5 संगम नगर ढिकाहा वनकुइया रोड के पास स्थित था, जिसका हेड ऑफिस फरीदाबाद में था। यहां पर दो लोग शिक्षण संस्था के नाम से एनजीओ का संचालन करते थे, जिसमें कि उनको संस्था में लोगों को जोड़ना होता था, जिसमें जुड़े हुए प्रत्येक सदस्य अनुदेशकों के रूप में 4,000 रुपये तथा फील्ड सहायक के रूप में 950 रुपये लेते थे। इस तरह उन्होंने करीब 5,000 से 10,000 के बीच सदस्यों को जोड़ा, जिसमें उन लोगों ने करोड़ों का घोटाला किया और गायब हो गए। अब उन लोगों को फोन लगाया जाता है तो उनके मोबाइल नंबर बंद आ रहे हैं, जिसके बाद इस संस्था से जुड़े लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और उन लोगों ने कंपनी द्वारा धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए मंगलवार को सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई है। समस्या ये एक एनजीओ है, एनजीओ था एमएससी जोन करके, बेकार में संचालित था, शिक्षा के क्षेत्र में काम करता था और इसमें लोग जुड़ते गए, इसका कुछ फीस था और ये लोगों को रखता था मतलब शिक्षा देने के नाम पे और उनको कुछ वेतन भी देता था, जिसमें आगे करीब 5-10 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं और करीब 15 से 20 करोड़ रुपये लेके कंपनी जो है फरार है, कंपनी है ही नहीं, कई लोग इकट्ठा हुए हैं। कुछ रसीद वगैरह दिया था? हाँ सर है ना रसीद वगैरह। कितना पैसा लिया गया? अरे कम से कम सर 5 से 10 हज़ार रुपये, मतलब 5-10 हज़ार लोग जुड़े हैं और एक आदमी का फीस करीब 4,000 रुपये था समथिंग। ऐसे रसीद दिया करते? ये उनकी रसीद है, ये समथिंग ये 4,000 रुपये दिया जाता था। ये मिशन एक एनजीओ था सर, जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करता था, यहाँ पर 8वीं-10वीं पास महिलाओं को रोजगार देते थे कि आपको 4 बच्चों को पढ़ाना है और इनसे उसके एवरेज में 4,000 रुपये प्रति निदेशक, यहाँ पर जो पढ़ाने का काम दिया जाता था उसको निदेशक बोला जाता था और प्रति निदेशक से 4,000 रुपये लेते थे और उसके एवरेज में लगभग 700 से 800 रुपये प्रतिमाह देते थे। और यह जून 2017 से संस्था रिवन में काम कर रही थी और लगभग करीब 6-8 से 9 महीने तक यह संस्था यहाँ पर काम की और लोगों को हर महीने 7 से 12 तारीख के बीच में वेतन भी देती थी। इससे हम लोगों का विश्वास जगा कि कहीं ना कहीं वेतन सही समय पर दे रहे हैं।